खबर है जनपद रायबरेली से। आपको बता दें, बीते दिनों पत्रकारों पर डॉक्टर द्वारा किए गए जानलेवा हमले का मामला लगातार सुर्खियों में चल रहा है। पत्रकारों के साथ आप गठबंधन के लोग भी एकजुट हो गए हैं और सभी एक स्वर में भ्रष्ट डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल बीते 29 जून को सलोन सीएचसी के भ्रष्ट डॉक्टरों द्वारा सरकारी दवाओं की खबरें चलाने से खफा होकर कवरेज करने गए पत्रकारों पर डॉक्टरों द्वारा सामूहिक रूप से किए गए जानलेवा हमले के मामले में अब तक डॉक्टरों पर प्रभावी कार्रवाई न होने को लेकर बीते सोमवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद पदाधिकारियों द्वारा पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी को ज्ञापन सौंपा गया। बताया जा रहा है, जिला अध्यक्ष गजेंद्र शुक्ला ने कहा कि डॉक्टरों द्वारा पत्रकारों के साथ मारपीट व लूट के बावजूद उल्टा पत्रकारों पर दर्ज कराए गए हैं। वहीं फर्जी मुकदमे की निष्पक्ष जांच की जाए और सलोन सेठसी का जो भी डॉक्टर दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस पर पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर प्रभावी कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए राम सुमेर की रिपोर्ट। ये क्या पर्चे आपका? गजेंद्र शुक्ला, अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद रायबरेली। आज कहाँ पे आए आप? रायबरेली एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने आए हैं जी। सलोन में सीएससी में जो डॉक्टरों द्वारा पत्रकार को मारा गया और उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा संगीन धाराओं में लिखाया जा रहा है, उसी के विरुद्ध में हम लोग अपना ज्ञापन देने आए हैं कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए। पीड़ित को संगीन धाराओं में फंसा के उसका जीवन नष्ट किया गया। आज एसपी साहब को ज्ञापन दिए तो क्या बोले इन्हें? एसपी साहब ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और जांच बदलने का जो आग्रह हम लोगों द्वारा किया गया उसमें भी उन्होंने आदेश दिया है।